हेलो किड्स, हाउ आर यू? होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट गुड हैबिट्स। डू नो व्हाट इज गुड हैबिट्स? यस, विदाउट गुड हैबिट्स इन आवरसेल्फ्स वी कांट बी अ गुड पर्सन। सो लेट अस नो व्हिच गुड हैबिट्स वी शुड इंक्लूड इन आवर लाइफ। चलो देखते हैं कौन से गुड हैबिट्स हमें अपनाने चाहिए। फर्स्ट, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें रोज सुबह जल्दी उठना चाहिए ना। यस। फिर उसके बाद क्या करना चाहिए? प्रे टू गॉड डेली। हमें डेली भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए। यस। फिर क्या करना चाहिए हमें हेल्दी रहने के लिए? डू एक्सरसाइज डेली। यस, हमें डेली एक्सरसाइज करना चाहिए। यस। फिर क्या है? हमें रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड वी शुड हेल्प आवर फ्रेंड्स एंड अदर्स। यस, हमें बड़ों की हेल्प करनी चाहिए और सबका रिस्पेक्ट करना चाहिए। आपको अपने फ्रेंड्स की भी हेल्प करनी चाहिए। समझ गए? यस। फिर दूसरा गुड हैबिट क्या है? गो टू स्कूल ऑन टाइम। डेली स्कूल जाना चाहिए ना, और वो टाइम पे जाना चाहिए। हमें पढ़ लिख कर अच्छा इंसान बनना है। यस। फिर उसके लिए हमको क्या करना चाहिए? गो टू बेड अर्ली एट नाइट। यस, आप जल्दी सोओगे तो जल्दी उठ पाओगे, और तभी तो आप हेल्दी रह पाओगे ना। यस, ऑलवेज यूज गुड वर्ड्स। गुड वर्ड्स पता है आपको कौन से होते हैं? गुड वर्ड्स जो हमें बहुत अच्छा बनाते हैं। पहला क्या है? थैंक यू। पता है थैंक यू कब बोलना चाहिए? व्हेन समवन हेल्प्स यू और गिव्स यू समथिंग यू मस्ट से यस थैंक यू। पता है आपको, जब आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स के बर्थडे होते हैं ना, तो आपको चॉकलेट देते हैं, तो आप क्या बोलते हो? यस यस थैंक यू। तो जब भी आपको कोई कुछ दे या हेल्प करे, तो आपको क्या बोलना चाहिए? थैंक यू। दूसरा कौन सा है गोल्डन वर्ड्स? सॉरी। यस, डोंट फॉरगेट टू से सॉरी व्हेन यू डू अ मिस्टेक। पता है जब आपको आपसे कोई गलती हो जाए, तो आपको क्या बोलना चाहिए? सॉरी। यस, सॉरी बोलोगे तो सामने वाला आपको माफ कर देगा। तो आपको हमेशा गलती होने पर क्या बोलना चाहिए? सॉरी। और दूसरा गोल्डन वर्ड्स कौन सा है? प्लीज। यस, से प्लीज व्हेन यू वांट और आस्क फॉर समथिंग। जब आपको कुछ चाहिए हो या आपको कुछ लेना हो, तो आपको क्या बोलना चाहिए? प्लीज। तो ये सारे वर्ड्स आप यूज करोगे ना घर पे, तो ये सारे गुड हैबिट्स आपको करने हैं। और ये है आपका होमवर्क। क्या आपको पता है होमवर्क करना भी एक गुड हैबिट्स है? तो मैंने आपको एक आज होमवर्क दिया है, तो आप घर पे करोगे ना, ये होमवर्क आपका गुड हैबिट होगा। नाउ लेट अस रिवाइज फ्रॉम दिस बुक। वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। हमें सुबह उठना चाहिए ना जल्दी, तो रिपीट आफ्टर मी, वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग। फिर दूसरा क्या है, हमें क्या करना चाहिए? प्रे टू गॉड। प्रे टू गॉड। फिर वेयर क्लीन क्लोथ। ये भी एक अच्छी आदत है, हमें डेली साफ सुथरे कपड़े पहनने चाहिए। वेयर क्लीन क्लोथ्स। डू एक्सरसाइज एवरी डे। हमें क्या करना चाहिए? डेली एक्सरसाइज करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी स्ट्रांग रहती है। डू एक्सरसाइज एवरी डे। ऑलवेज स्टैंड और सीट इरेक्ट। हमें कैसे खड़े रहना चाहिए और बैठना चाहिए? हमेशा स्ट्रेट खड़े रहना चाहिए और कमर सीधी रख के बैठना चाहिए। ऑलवेज स्टैंड और सीट इरेक्ट।
फिर हमें याद है ना कैसा खाना खाना चाहिए, बाहर का तो बिल्कुल नहीं। ईट हेल्दी फूड, जो घर पे बनता है वही खाना खाना चाहिए। तो हमेशा कैसा खाना खाना चाहिए, हेल्दी फूड, इससे हमारी बॉडी हेल्दी रहेगी। ईट हेल्दी फूड। फिर याद है ना मैंने कहा था क्या करना चाहिए डेली हमें, गो टू स्कूल ऑन टाइम, हमेशा स्कूल टाइम पे जाना चाहिए और डेली जाना चाहिए। इसीलिए गो टू स्कूल ऑन टाइम। फिर क्या करती है टीचर, आपको होमवर्क देती है ना, तो वो आपको कहाँ करना है, घर पे आपको डेली पेरेंट्स के साथ बैठ के होमवर्क कंप्लीट करना है, वो बहुत बड़ी गुड हैबिट है। डू आवर होमवर्क एवरी डे, मतलब हमें रोज़ होमवर्क करना चाहिए, इससे हमारी याददाश्त और ये हमारे बहुत स्ट्रांग होते हैं माइंड, तो हमें डेली अपना होमवर्क कंप्लीट करना चाहिए। और फिर रात को क्या करना चाहिए, गो टू बेड अर्ली एट नाइट, हमें जल्दी सोना चाहिए ना रात को, कभी लेट नाइट नहीं जागना चाहिए, और मोबाइल तो रात को बिल्कुल नहीं देखना, तो इसलिए अब से जल्दी सो जाना ताकि आप जल्दी उठ के फ्रेश हो जाओ सुबह सुबह। गो टू बेड अर्ली एट नाइट। बाय।